गाइज वेलकम बैक इन केमिस्ट्री वाला चैनल। गाइज अगर हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोजीशन, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया जाए तो उसके ऊपर उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है, डाइपोल के ऊपर क्या क्या प्रभाव डालता है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आज बेसिकली हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ये बता रखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफरेंट पोजीशंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की मीनिंग क्या होती है, तो ये सारी चीजें आई होप बड़ा ही क्लियरली आप लोग समझे होंगे। और जैसा कि हमने यहाँ पे आज हेडिंग भी डाल रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले एक बात आती है यहाँ पे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा हम आप लोगों को चर्चा करेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो दोस्तों ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो, जैसे हम कहें इसको यदि हम सिंबोलिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो है यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। आप इसके किसी भी पोजीशन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को यदि फाइंड आउट करना चाहें तो आपको पता चलेगा कि हर एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड आपको सेम मिलने वाली है। तो ये रही हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा पैरेलल लाइंस के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो इन पैरेलल लाइंस के बीच का गैप है ना वो हमारा क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा कुछ यूं होता है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ फील्ड लाइंस बहुत पास पास है और एक तरफ फील्ड लाइंस क्या है, फैलती जा रही है, मतलब यहां पे फील्ड लाइंस आपकी बड़ी करीब है और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी फैलती जा रही है। और आपको पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड जो होती है ना वो डेंसिटी के द्वारा हमको आइडेंटिफाइड होती है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होंगी वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड क्या होने वाली है, बहुत ज्यादा होने वाली है, और जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की गैपिंग ज्यादा होगी वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड क्या होगी, वीक होगी। इसका मतलब कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, जैसे मैं कहूं कि हमने इधर एक पॉइंट ले लिया R और इधर एक पॉइंट ले लिया हमने S, ठीक वैसे ही हमने कुछ इसके इस पॉइंट पे एक पॉइंट ले लिया है A और इधर कोई पॉइंट हमने ले लिया है B। यदि हम कहें कि इस R पॉइंट और S पॉइंट पे स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड क्या होगी, तो चलिए यदि हमने मान लिया कि इस पॉइंट R पे जो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है वो ER है और इस पॉइंट S पे जो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड क्या है वो ES है, तो यदि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमको पता है कि थ्रू आउट स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कांस्टेंट रहेगी। इट मींस कि जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट R पे होगी वही वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट S पे होने वाली है। अच्छा, यदि इधर की बात करें तो हमको पता है कि यहां पे जो A पॉइंट है ये ऐसी पॉइंट पे हमारा दिख रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बड़ी पास पास हैं और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की गैपिंग बहुत ज्यादा है। यदि हम कहें कि A पॉइंट पे स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड EA है और B पॉइंट पे स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड EB है तो ये कंफर्म है कि जो A पे स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है और जो B पे स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है दोनों एक दूसरे से क्लियरली अलग है। अच्छा, ये भी पता चल रहा है कि जो A पॉइंट है ना A पॉइंट पे स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड ज्यादा है और B पॉइंट पे स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड क्या है आपकी, कम है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी दूर दूर है। अच्छा, एक और बात बता दें कि यदि मान लीजिए किसी चार्ज को हम इस पॉइंट पे रखें तो यहां पे जो उस चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स होगा ठीक वही फोर्स यहां पे भी इस चार्ज के ऊपर लगेगा, बट यदि हम किसी पॉइंट को यहां पे रख दें और फिर उठा करके यहां पे रखें तो यहां पे एक्सपीरियंस किया गया फोर्स उस चार्ज के द्वारा कुछ ज्यादा होगा और यहां पे एक्सपीरियंस किया गया फोर्स कुछ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड ज्यादा है और यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड क्या है, कम है। तो मुझे लग रहा है कि क्लियरली आप लोग समझ पाए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमको आज पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए नॉन यूनिफॉर्म को हम यहां से इरेज करेंगे और बात करेंगे कंप्लीटली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आई होप कि सबको डाइपोल के बारे में पता होगा, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को डाइपोल के बारे में क्लियरली बता चुके हैं कि डाइपोल एक्चुअली क्या हमारे होते हैं। वैसे फिर से आपको एक बार बता दें कि डाइपोल का मतलब कि जब दो पॉइंट चार्जेस, मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि ये आपका माइनस क्यू है और ये क्या है प्लस क्यू,
जब दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस होते हैं तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यदि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और इनका नेचर क्या है, अलग अलग है। डाइपोल पे हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़ा ही क्लियर कट आप लोगों को वीडियो बना के दिया हुआ है और इस पे हम इस बात को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक्चुअली जो हमारा डाइपोल होगा वो स्मॉल डाइपोल होता है, मतलब डाइपोल लेंथ क्या होगी, बड़ी कम होगी, दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बड़ी कम होगी। दूसरा, हमने इसके इक्विटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन पे स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में भी हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं। अब इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अब थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे और हम अपने टॉपिक की तरफ सीधे मूव करने वाले हैं कि एक्चुअली क्या मतलब है इनका। तो हम इस पॉइंट को यहां से हटाते हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रखेंगे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलिए हमने किसी एंगल पे हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख रखा है। ये हमारा है माइनस का क्यू और ये चार्ज है हमारा प्लस का। सबको पता है कि जब दो चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस होते हैं तो ये एक डाइपोल का क्या करते हैं दोस्तों, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस 2a पे प्लेस है। इस कॉर्नर पे आपका जो चार्ज है प्लस का क्यू है और इस कॉर्नर पे जो चार्ज है वो आपका माइनस का क्यू है। अच्छा, साथ साथ ये भी आप लोगों को पता होगा कि जब किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगता है। यदि वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में काम करता है, मतलब फील्ड के द्वारा रिपेल किया जाता है। और यदि चार्ज आपका निगेटिव है तो उसके ऊपर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, मतलब निगेटिव चार्ज को फील्ड क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो यदि मैं यहां पर बोल दूं कि यह पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो फील्ड की डायरेक्शन में होगा और ये फोर्स जो होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यदि यहां पे हम बोले तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा और ये फोर्स भी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि पूरी इस इलेक्ट्रिक डायपोल को यदि एक बॉडी कंसीडर कर लें तो इस बॉडी के पास दो चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज दूसरा है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में काम कर रहा है और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। अच्छा, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल, डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स हमारा क्या होगा, तो आइए जरा इसको देखते हैं, एफ नेट। तो यदि इस डाइपोल को हम एक बॉडी मान लें तो डाइपोल के ऊपर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक है आपका ये q इंटू ई और दूसरा भी है आपका q इंटू ई। चलिए हमने इसको सिंबोलिकली f1 बोल दिया और इसको क्या बोल रखा है, f2 बोल रखा है। तो यदि मैं देखूं एफ नेट तो बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है एफ वन और दूसरा फोर्स है आपका एफ टू। अच्छा, एक और चीज हम यहां पर देख रहे हैं कि जो F1 का मैग्नीट्यूड है और इस F2 का मैग्नीट्यूड है दोनों Q into E के बराबर है और दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, एक और बात पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F1 और वेक्टर F2 है वो क्या है, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। तो यदि इन दोनों पॉइंट्स को हम कंसीडर करें तो हम यहां से देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स आपका है वो बेसिकली होने वाला है Q into E प्लस माइनस का क्यू इंटू ई। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में हम लें और ये बेसिकली क्या आएगा, आपका जीरो आने वाला है। तो जो नेट फोर्स है ना इस डाइपोल के ऊपर वो क्या है, आपका जीरो है। जैसे मैं कहूं आपसे कि मैं एक डाइपोल हूं, मेरे एक इस हैंड पे एक प्लस चार्ज रखा गया है और इधर एक माइनस चार्ज रखा गया है, तो दोनों के ऊपर यदि इक्वल अमाउंट का फोर्स लगे तो जितने अमाउंट का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतने ही अमाउंट का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। दो फोर्स लगे तो लेकिन नेट फोर्स जो बॉडी के ऊपर आया, जो डाइपोल के ऊपर आया वो क्या आया, जीरो। तो हमारा यहां पे डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो इससे एक हमको रिजल्ट मिलता है और वो रिजल्ट हमको यह मिलता है कि यदि एफ नेट आपका जीरो है तो नो ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
फील्ड के अंदर डायपोल की कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी, क्योंकि डायपोल के ऊपर जो नेट फोर्स है ना, वो नेट फोर्स जीरो है। और आपको पता है कि यदि किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी के अंदर किसी तरीके का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट आपका नहीं होने वाला है। तो ये पहली बात हमको पता चली कि जो एफ नेट है हमारा वो जीरो है, मतलब नेट फोर्स बॉडी के ऊपर क्या होने वाला है दोस्तों, जीरो होने वाला है। आई होप कि बड़ा ही क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम एक दूसरे इफेक्ट को देखेंगे कि जहां पे आपका फोर्स है ना, थोड़ा सा कंसिडरेशन में आना चाहिए कि क्या फोर्स के कारण वहां पे कोई बॉडी के अंदर रोटेशन तो नहीं आ रहा है, मतलब कि फोर्स कहीं टॉर्क का काम तो नहीं कर रहा है। तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं यहां पे कि क्या इन फोर्सेस के कारण कोई नेट टॉर्क तो बॉडी के ऊपर नहीं आ रहा है, क्या बॉडी आपकी बॉडी का मतलब पूरा डाइपोल कहीं रोटेट तो नहीं कर रहा है। तो एक बार मैं इसको इरेज करता हूं और अब थोड़ा सा दूसरा इफेक्ट बॉडी के ऊपर हम लोग देखेंगे इस डाइपोल के ऊपर, और वो दूसरा इफेक्ट हमारा होगा टार्क का। तो ये दूसरी बात हमारी होगी टार्क ऑन डाइपोल। तो चलिए टार्क को जानने से पहले कुछ हम बेसिक चीजें जान लेते हैं। आपको एक बात पता होगा क्लास 11th की रिजिड बॉडी डायनामिक्स जो हमारा चैप्टर है रोटेशन मोशन के नाम से जिसको बेसिकली हम जानते हैं, वहां पे टॉर्क को बड़े ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो टॉर्क किसी फोर्स की वो टेंडेंसी होती है ना जो किसी बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने की हमेशा क्या करती है, कोशिश करती है। यदि टॉर्क की हम बात करें तो टॉर्क बेसिकली होता है हमारा वेक्टर एफ इंटू वेक्टर आर इंटू का वाट वेक्टर एफ। टॉर्क हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, या इसको बेसिकली हम ऐसे भी दिखा देते हैं कि टाउ इज इक्वल्स टू आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स। ये बात आपको क्लास 11 से थोड़ा बहुत क्लियर होगी, यदि नहीं क्लियर है तो आप देख सकते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स में क्लास 11 को, तो आपको कुछ कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक और बात आपको बता दें कि जब एक ही बॉडी के ऊपर दो इक्वल अमाउंट के फोर्सेस लगें, डायरेक्शन में अपोजिट हो और दोनों फोर्सेस जो है ना बॉडी के अलग अलग पोजीशंस पे काम कर रहे हो, मतलब कि दोनों फोर्सेस कोलिनियर नहीं हो, तो वो दोनों फोर्सेस काम करते हैं एक कपल ऑफ फोर्स का, कपल ऑफ फोर्स का। और ये जो कपल ऑफ फोर्स होता है ना, ये बेसिकली आपका प्रोड्यूस करता है टॉर्क, और जो टॉर्क है हमारा ना वो प्रोड्यूस करता है रोटेशन। तो हमको थोड़ा सा इसके बारे में जानना होगा टॉर्क है क्या, तो हम इसको जान गए। यदि किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स काम कर रहा है बॉडी के किसी पॉइंट पे, और बॉडी को एक पॉइंट पे यदि हम हिंज कर दें, किसी पॉइंट पे यदि बॉडी को फिक्स कर दें, तो उस फिक्स्ड पॉइंट से फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच की डिस्टेंस और जो फोर्स है हमारा, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को हम टॉर्क बोलते हैं। या मैग्नीट्यूड वाइज यदि देखें तो जो हमारी डिस्टेंस होती है, उस जो रेडियल वेक्टर होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दे तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। अच्छा, हमने एक तीसरी बात यहां पर बताई कपल ऑफ फोर्स के बारे में। तो कपल ऑफ फोर्स जब एक ही बॉडी के ऊपर दो इक्वल अमाउंट के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो, यदि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, वो कोलिनियर फोर्सेस नहीं है, तो उसका बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट होता है वो कपल ऑफ फोर्स के तरीके का होता है, और कपल ऑफ फोर्स हमेशा बॉडी के ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और टॉर्क जो है बॉडी के अंदर एक रोटेशन लाता है। तो अब हम बॉडी के ऊपर टॉर्क को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो टॉर्क देखते हैं, यहां पर दो दो फोर्सेस लग रहे हैं, आइए टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है। अच्छा, ये फोर्स बॉडी की हम यदि देखें इस फिगर के माध्यम से, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, और ये वाला फोर्स जो F2 है आपका वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि दोनों फोर्सेस का अमाउंट Q into E अमाउंट में मैग्नीट्यूड में बराबर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों बॉडी के अलग अलग पॉइंट पे काम कर रहे हैं। तो आप क्लियरली सोच सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि हम कहें कि ये आपका डायपोल है, यहां पे एक फोर्स है, यहां पे एक फोर्स है, और एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ, तो पक्की बात है कि ये इसको रोटेट कराने की क्या कर रहा होगा, कोशिश कर रहा होगा। आप क्लियरली यहां पे देख सकते हैं कि एक फोर्स इसको इधर खींच रहा है, दूसरा फोर्स इसको इधर खींच रहा है, तो इसके ऊपर एक रोटेशन इफेक्ट आ रहा है। ये बॉडी क्या करने जा रही है, रोटेट करने जा रही है। तो अब हम इसके रोटेशन को थोड़ा सा देखेंगे। तो ये जो हमारा एक फोर्स है, जिस फोर्स को हम बोल दे रहे हैं यहां पर F1, इस फिगर को थोड़ा सा हम यहां से हटाएंगे क्योंकि जगह की कमी है। तो ये फोर्स हमारा F1 है, केवल सिंबोलिकली दिखा रहे हैं, और हम यहां पे लिख दे रहे हैं कि जो मॉड वेक्टर F1 है
और जो मास वेक्टर एफ टू है वो क्यू इंटू ई के क्या है, बराबर है। और ये फोर्स हमारा है वेक्टर का एफ टू, ये फोर्स है हमारा वेक्टर का एफ वन। अच्छा चलिए, जो डाइपोल है ना, तो डाइपोल मोमेंट की भी अपनी एक डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन इसकी हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हम मान सकते हैं कि ये जो है आपका, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से जो डायपोल है वो थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि डायपोल की डायरेक्शन कुछ यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ यू आपको दिख रही है, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमेशा होती है। तो हम इस वाले एंगल को भी थीटा कंसिडर कर सकते हैं। तो यदि ये हमारा फोर्स एफ वन था तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, जिसको हम बोल सकते हैं एफ पैरेलल, जिसकी वैल्यू होगी एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ जिसको हम बोल सकते हैं एफ परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू होगी एफ साइन थीटा, इसको एफ वन परपेंडिकुलर बोलिए। ठीक वही काम आपका यहां पे भी होगा, एक कंपोनेंट इसका इधर आने वाला है जो कि होगा एफ पैरेलल, जो कि होगा आपका एफ कॉस थीटा के बराबर, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि होगा एफ परपेंडिकुलर, और ये बराबर होगा एफ साइन थीटा के। अब जरा देखिएगा कि ये जो डाइपोल था ये इसका सेंटर था, इस सेंटर की बात करें तो यहां से ये डिस्टेंस ए है और यहां से ये वाली भी डिस्टेंस किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यदि ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, जिसको हम बोल सकते हैं कि इस डायपोल को यदि इस पॉइंट पे हिंज कर दिया गया है, तो ये दोनों फोर्सेस इस सेंटर ऑफ मास बीच वाले पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला फोर्स इसके ऊपर लगेगा तो इसको बेसिकली ये क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा। आप देख सकते हैं कि यदि इसके ऊपर हम कहें कि कोई फोर्स लग रहा है तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा। अच्छा, यहां पे जो फोर्स लग रहा है तो ये वाला फोर्स भी इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराने की पूरी कोशिश कर रहा होगा। इसका मतलब कि दोनों फोर्सेस जो है ना, इस पूरे डायपोल को क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे दो टार्क लग रहे हैं। सबसे पहले हम टाउ वन का कैलकुलेशन करेंगे, तो टाउ वन जो बेसिकली होगा वो आर वन इंटू एफ वन परपेंडिकुलर। अच्छा, इसकी डायरेक्शन जो है वो है क्लॉकवाइज, हमको दिख रहा है यहां से फिगर से। तो R1 के लिए बात करें तो ये सेंटर ऑफ मास, जहां से ये भी इनके बीच की पूरी डिस्टेंस 2a थी, तो बीच से ये आधी डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस a, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू एफ साइन थीटा, ये हो गया हमारा टाउ वन। अच्छा, ऐसे ही यदि हम टाउ टू का कैलकुलेशन करें तो ये होगा R2 इंटू का F2 परपेंडिकुलर। ये भी आपका कैसा है, क्लॉकवाइज है, फिगर से दिख रहा है ये भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। तो आर टू ए है और ये F21 जो है वो है F साइन थीटा, तो ये भी बेसिकली आपका जो tau2 आ गया वो आ गया A F साइन थीटा। अच्छा, हम यहां से इस बात को यदि नेट टॉर्क फाइंड आउट करना चाहें तो जो नेट टॉर्क हमारा होगा tau नेट, वो बेसिकली होगा वेक्टर का tau1 प्लस वेक्टर का tau2। अब हम देख रहे हैं कि tau1 भी क्लॉकवाइज tau2 भी क्लॉकवाइज, तो जो नेट टॉर्क होगा ना, देखिए ये भी है आपका क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि ये क्या है आपका क्लॉकवाइज हमको दिख रहा है और ये भी कैसा दिख रहा है हमको, क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो जब दोनों टॉर्क हमारे क्लॉकवाइज है तो दोनों का रिजल्टेंट भी क्या होगा आपका, क्लॉकवाइज होगा। तो अब केवल मैग्नीट्यूड की बात कर ले तो ये जो टाउ नेट होगा ये टाउ वन की वैल्यू है ए एफ साइन थीटा, टाउ टू की वैल्यू है ए एफ साइन थीटा, तो दोनों मिलकर के टू ए एफ साइन थीटा के बराबर आ गए। तो यहां पे हमको टाउ नेट जो मिल रहा है वो मिल रहा है टू ए एफ साइन थीटा। अच्छा, यहां से एक और चीज हम देख सकते हैं कि जो हमारा एफ वन और एफ टू है वो दोनों क्यू इंटू ई के क्या है, बराबर है। तो हम एफ की जो वैल्यू है उसको यदि क्यू इंटू ई पुट करें तो ये हमारा टाउ नेट जो हो जाएगा वो टू ए, ये हो जाएगा क्यू इंटू ई साइन थीटा। अब जरा देखिए, हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं क्यू इंटू टू ए और ई साइन थीटा, हम इस क्यू को पहले कर दिए टू ए को बाद में कर दिए इंटू ई साइन थीटा। अब सबको पता होगा वेल नोन क्यू इंटू ई, तो देखिए ये जो क्यू है ना इस चार्ज के ऊपर मैग्नीट्यूड है और टू ए इनके बीच की डिस्टेंस है, तो किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और डाइपोल लेंथ का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, और वो इसको डिनोट करते हैं पी से। तो ये बेसिकली हो गया आपका पी ई साइन थीटा, तो ये टाउ का एक फार्मूला आ गया पी इंटू ई साइन थीटा। अच्छा, हमको यहां से ये पता है कि P भी वेक्टर क्वांटिटी, A भी वेक्टर क्वांटिटी, यहां पे थीटा जो है वो बेसिकली है आपका एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है आपका थीटा। अब जरा देखिएगा P
पी भी वेक्टर क्वांटिटी, ई भी वेक्टर क्वांटिटी और टाउ भी आपकी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में साइन का कंपोनेंट आया है, साइन का मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब कि इसको हम कुछ यू भी लिख सकते हैं, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई के बराबर। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा, यदि आप थोड़ा सा दिखाने की यहां पे कोशिश करें कि ये मान लीजिए आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल क्या है थीटा है, तो आपका जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा के बराबर। तो ठीक वही काम यदि पी भी वेक्टर क्वांटिटी, ई भी वेक्टर क्वांटिटी और पी ई साइन थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी इंटू ई वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि क्या इसको वेक्टर ई इंटू वेक्टर पी लिख सकते हैं, तो जी नहीं, ये गलत है और ये सही है, क्योंकि यहां से डायरेक्शन का प्रभाव आ जाएगा। क्योंकि देखिए वेक्टर पी आपका ऊपर की तरफ है और जब इसको हम रोटेट कर रहे हैं वेक्टर ई की डायरेक्शन में, तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है और हमको यहां से ही पता है कि जो टाउ नेट है वो क्लॉकवाइज है, इसलिए वेक्टर पी और वेक्टर ई के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जो नेट वेक्टर आ रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और इससे आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो चूंकि हमको पता है कि टाउ नेट क्लॉकवाइज है, इसलिए वेक्टर पी इंटू ई क्या है आपका सही है और वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी क्या है आपका गलत। तो ये देखिए एक बड़ा ही खूबसूरत सा फार्मूला आपके सामने आ चुका है, यहां से इसका वेक्टर फॉर्म पता चल रहा है और यहां से इसके मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल रहा है कि जो आपका नेट टॉर्क है उसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। तो आई होप बड़ा ही क्लियरली आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए कुछ पॉइंट हम आपको यहां पे लिखवाते हैं और आई होप कि बड़ा ही इंजॉय कर रहे होंगे आप इस लेक्चर को। देखिए तो यहां से एक रिजल्ट हमारे पास आया और वो रिजल्ट नंबर टू क्या है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट टॉर्क प्रोड्यूसेस ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड रोटेट द डाइपोल एंड ट्राइज टू अलाइन the dipole along the direction of electric field। ये बड़ा ही एक important result हमको मिला कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नेट टॉर्क प्रोड्यूसेस ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड रोटेट द डायपोल एंड ट्राइज टू अलाइन, और हमेशा ट्राई करता है कि जो डायपोल है आपका ना डायपोल को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलांग हम क्या कर दे लगा दे, जैसे कि हमारा डायपोल यहां पे कुछ इस डायरेक्शन में था और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ था कुछ ऐसे, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कोशिश करेगी कि इस डायपोल को अपनी डायरेक्शन के अलांग क्या कर दे हम रोटेट करा दे और रोटेट करके अपनी डायरेक्शन के अलांग लेकर के चले आए। तो आई होप आपको क्लियरली पता चल गया कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है इस पूरे डायपोल के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं और एक नेट टॉर्क बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है और ये टॉर्क हमेशा कोशिश कर रहा है कि जो डायपोल है ना उस डायपोल को हम इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलांग क्या कर दें ला करके रख दें। तो चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब कुछ केसेस को हम यहां पे क्या करना चाहते हैं देखना चाहते हैं। तो यहां पे देखिए आपको जो फार्मूला मिला वो मिला वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये तो वेक्टर फॉर्म में है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये है आपका पीई साइन थीटा। तो यहां से एक बात क्लियर कट है कि जो डायपोल है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो जो टाउ की वैल्यू है ना वो थीटा के ऊपर क्या कर रही है डिपेंड कर रही है कि जिस हिसाब का थीटा होगा, जैसे मैं कहूं कि डायपोल बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर ज्यादा टॉर्क लगाएगी और कोशिश करेगी कि इसको अपने डायरेक्शन के अलांग क्या कर दे अलाइन कर दे। यदि डायपोल पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलांग रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि टॉर्क इसीलिए लगता है कि वो अपनी डायरेक्शन के अलांग अलाइन कर दे, और जब पहले से ही आपका डायपोल अलाइन है तो उसके ऊपर टॉर्क लगने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम यहां से मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे केस फर्स्ट अपना, फॉर मैक्सिमम टॉर्क। तो जब हमको टाउ को टाउ मैक्स बनाना होगा तो इसके लिए हमको साइन थीटा को क्या करना होगा मैक्सिमम लेना होगा, क्योंकि टाउ की वैल्यू थीटा की वैल्यू पे क्या कर रही है डिपेंड कर रही है। अच्छा, जो साइन थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो इसके लिए जो थीटा है हमारा वो या तो 90 डिग्री होगा
और या फिर थीटा आपका कितना हो सकता है 273 डिग्री। तो आपको मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा की वैल्यू या तो 90 डिग्री रखनी पड़ेगी या फिर 273 डिग्री रखनी पड़ेगी। इसको आइए प्रैक्टिकली हम यहां पे आपको समझाते हैं, फील कराने की कोशिश करते हैं। देखिए हम यहां पे दोनों केसेस ले रहे हैं इसके, एक तो ये चलिए आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल था, तो हमने किया क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी और हमने इधर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया। इसका पॉजिटिव चार्ज ऊपर है और निगेटिव चार्ज नीचे है। इसके ऊपर एक फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है फील्ड की डायरेक्शन में, और दूसरा फोर्स इस पे फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, जो कि आपका एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई के बराबर है, और ये भी एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई के बराबर है। तो अब देखिए दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं इसके ऊपर लग रहे होंगे और लग करके इसको फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यहां पे थीटा 90 डिग्री जो कि क्या है आपका मैक्सिमम है, तो जो आपका टॉर्क होगा वो होगा पीई साइन 90 डिग्री जो कि पी इंटू ई के बराबर होगा, और ये इसकी कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा दूसरा केस देख ले 273 डिग्री वाला, तो यहां से भी आप इसको समझ सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये डायपोल था। अब हमने माइनस को इधर रख दिया प्लस को इधर रख दिया, तो अब जो इसके बीच का एंगल हो गया वो बेसिकली हो गया 273 डिग्री, क्योंकि एंगल हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इसके ऊपर जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स जो है फील्ड की डायरेक्शन में, तो फिर से फोर्स इसको क्या करना चाहता है, रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है कि ये दो फोर्सेस लग रहे हैं और इसको क्या कर दे, रोटेट करा दे। तो फिर से यहां पे थीटा की वैल्यू है 273 डिग्री जो कि क्या है, मैक्सिमम है। तो जो टॉर्क होगा वो होगा P इंटू ई साइन 273 डिग्री जिसकी वैल्यू होगी माइनस का P इंटू ई। माइनस केवल और केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि यहां पे जो इसकी रोटेशन की डायरेक्शन है ना, यहां पे जो रोटेशन है वो है एंटी क्लॉक वाइज बस, और यहां पे जो रोटेशन है वो है आपका क्लॉक वाइज। कैसे देख सकते हैं कि अभी ये फोर्स इधर लग रहा है तो इसको क्लॉक वाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, और ये दोनों फोर्सेस इसको एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा मिनिमम का केस भी हम लोग जान लें, तो कब आपका टॉर्क मिनिमम होगा, तो मिनिमम के केस को थोड़ा सा हम यहां पर देखते हैं। फॉर मिनिमम टॉर्क, तो जब टॉर्क को क्या रखना हो, मिनिमम रखना हो, तो ये है बेसिकली हमारा केस नंबर टू। देखिए जब हमारा टॉर्क जो है वो मिनिमम होगा, तो मिनिमम करने के लिए जो साइन थीटा है ना, इसी को क्या करना होगा, मिनिमम, क्योंकि जो टाउ की वैल्यू है वो साइन थीटा की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। सबको पता है कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू जीरो, तो जीरो के लिए जो है थीटा वो या तो जीरो डिग्री हो या फिर थीटा क्या हो आपका 180 डिग्री। तो जब भी टाउ को मिनिमम रखना हो तो थीटा आपको जीरो या 180 डिग्री रखना पड़ेगा। अब जरा आइए इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए ये है हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इधर हमने एक डायपोल को रख रखा है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन जो है डायपोल मोमेंट की वो इधर ही की तरफ है, इसका मतलब कि यहां पे जो थीटा है वो जीरो डिग्री है। तो जो और ये क्या है आपका मिनिमम है, तो जो टाउ होगा वो होगा पी इंटू ई साइन जीरो डिग्री जो कि आने वाला है हमारा जीरो, तो ये आ गया मिनिमम। तो देखिए जब ये पहले से ही फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन था, जो डायरेक्शन आपके टाउ की वेक्टर ई की थी वही डायरेक्शन आपके डायपोल मोमेंट की थी, तो इसको रोटेट कराने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि हम इसको रखते हैं, अब इधर कर दे माइनस का पी, इधर कर दे माइनस का क्यू प्लस का क्यू, तो जो वेक्टर पी की डायरेक्शन होगी डायपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, आपका डायपोल मोमेंट ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो थीटा यहां पे है आपका 180 डिग्री, और ये बेसिकली जो टाउ होगा वो होगा पीई साइन 180 डिग्री जो कि जीरो के बराबर है, और जीरो का मतलब कि ये भी क्या है आपका मिनिमम। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये पहले से ही फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड है तो इसके ऊपर कोई सा भी टॉर्क लगने वाला नहीं है। अच्छा ये वाली कंडीशन जो है हमारी वो अनस्टेबल होती है और ये वाली कंडीशन स्टेबल होती है। आगे आने वाले हम अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे और स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि बड़ा ही मजा आया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।